यू सांतनी, तुम एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही फोकस्ड, एक एक जो सिंगर में एक सारी क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं तुम में, और तुम बहुत ही डूब कर गाती हो, और वो बहुत ही ग्रेट क्वालिटी है तुम्हारी। थैंक यू सर। आपका जो रिजल्ट है ना बेटा, हम बाकी जितने भी कंटेस्टेंट अभी आएंगे उनको सुनने के बाद में वो आपको जरूर बताएंगे, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। वाह वाह। बेटा तुम्हारी उम्र 7 बरस की है अलका जी, जो आप कह रही हैं बिल्कुल। मैं वही बोल रही थी कि 7 बरस की है और इतना अच्छा गाती है, मतलब इस उम्र तक बच्चों के सुर पक्के हो नहीं पाते हैं। क्या हो गया बेटा तुम्हें, तो कमाल कर दिया है तुमने, और एफर्टलेस। तुम कॉन्फिडेंट कितनी हो, तुम क्यूट कितनी हो, आपका बच्चा बहुत डिवाइन है, बहुत कोई ऊपर वाले की डिवाइन एनर्जी है। साइशा ने ऐसा गाना गाया कि हमारे शो की गर्ल पावर को भी स्टेज पर आकर उसके साथ गाने के लिए मजबूर कर दिया। कितने सुपर मेडल्स गए? 5।
एक आम इंसान गोदाम की घास से सुई ढूंढ कर निकाल सकता है, आटे के पहाड़ से एक टैल्कम पाउडर का दाना खोज सकता है, पर इतने टैलेंटेड बच्चों में से सिर्फ 15 अच्छे बच्चे जो बेस्ट से भी बेहतर होंगे, जजेस कैसे निकाल पाएंगे? आइए पाल्टी मारकर सोचते हैं। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मैं बड़ा बदनसीब इंसान हूँ कि मैं अपने बच्चों की जरूरतें उनके शौक नहीं पूरे कर पा रहा, पर मेरा बच्चा जो मनी है वो उम्र में छोटा है, कद में छोटा है, सोच में बहुत बड़ा है। ऑडिशन में इतना डर नहीं लगा था, तो जो आज है ना वो इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सभी अच्छा गाते हैं और ये फाइनल ऑडिशन है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। आओ मनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आज आप ड्रेस पहन के आए हो ये भी आपकी मम्मी ने सिया है क्या? जी सर। तू जहां चलेगा मेरा वहां बैठे थे, एक शरीफ बच्चे की तरह बैठना चाहिए ना बेटा, शो है, तुम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। अगली बार मैं आऊंगा तो साउथ इंडियन चिकन बिरयानी लेके रहना। चलो इसके पहले कि मैं पिटाई करूं तुम्हें, चल चले चले चल। सुपरस्टार सिंगर में जितनी अच्छी दोस्तियां हैं उतनी ही पक्की दुश्मनियां थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुश्मनी की जिसकी शुरुआत हुई 2019 में। वह मुझसे बड़ा सिंगर है, आज मैं उसको छोटा सिंगर बनाऊंगा। मोनित नई शुखरे
क्या बात है। क्या इसका भी क्या चार्म है तमिल में। ये पंकज हुए तो ये कौन हुए, पंकज उदास। बच्चों के शोज की खासियत क्या होती है बताइए, ये कि बच्चों को रत्ती भर टेंशन नहीं रहती, टेंशन रहती है उनके माता पिताओं को। रिजल्ट से पहले सारे माता पिता नाखून चबा रहे हैं, वो भी अपने नहीं अपने अपने पड़ोसियों के। देखिए जो फाइनल ऑडिशन है उसमें बच्चों के लिए तो प्रेशर है ही है, माँ बाप का बहुत बड़ा एग्जाम है ये। जब हर्षिता को ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया तो उनको सर्टिफिकेट जो मिला था झरना को दिखाया, वो भी बहुत खुश थी, दोनों घूम के नाचा। झरना तो सर्टिफिकेट छोड़ ही नहीं दिया, अपने हाथ पकड़ के उसको हग कर रही थी, गले में लगा रही थी, बहुत खुश थी वो। जब हर्षिता को फाइनल ऑडिशन की बारी आ गई तो बोला नहीं माँ मुझे तो बहुत बहुत मुझे तो इच्छा है कि मैं सुपरस्टार सिंगर की विनर बनूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैम एक्चुअली वो हम लोग दोनों शॉक्ड हो गए थे हर्षिता के बारे में, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिसीजन अपने आप ले रही है। बोला माँ हमको जो सर्टिफिकेट मिला है वो ही काफ़ी है मेरे लिए। Oh.
हर्षिता, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। और हम सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे कोई खुश हो रहा था वो आपकी सिस्टर थी। जी। उनको मैं कंटिन्यूस देख रहा था, वो ऐसे करके बीट दे रही थी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। रिजल्ट थोड़ी देर में आपको बता देंगे, ठीक है? ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। फाइनल ऑडिशन में अगला कलाकार कौन है आने वाला, प्लीज आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार। ओह माय गॉड, व्हाट अ फैमिली, ब्यूटीफुल। पापा टोपी, पिछली बार टी शर्ट, इस बार शर्ट एंड टाई, और उसके बाद हैट, और साथ में मम्मी जी भी। मम्मी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मम्मी जी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही हैं। आपने मैं खुश हूँ। इस बार तो कुछ देखने के लिए, नजरदारी करने के लिए आई हूँ। पिछले बार कुछ नहीं बताया, इतना सारा सब कुछ हुआ, कुछ नहीं बताया मुझे। वो तो टीवी पर पता चला कि क्या क्या हुआ है। कंटिन्यूसली आके अलका जी को ही देखे जा रहे थे। पापा जी आपने क्या कर दिया है? अरे आपने दीवाना बना दिया है। पापा मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको कहीं पे भी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। सर लेकिन आपका जो पूरा अटायर है, एक तो कैप है और आप गुलाब भी कुछ रखे जासूस लग रहा है। ये गुलाब का जो राज है वो जानना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, अलका जी के लिए लाए? वाइफ के लिए। किसके लिए? मैम के लिए। इस मैम को कभी दिया नहीं है। अगर उन्होंने आपको कभी नहीं दिया है फूल, तो आज सारी दुनिया के सामने इस सुपरस्टार सिंगर के मंच पे आपको पहली बार फूल देंगे। क्या बात है? लगत करजवा में छो फूल गेंद बान मारो न मारो लगत करजवा में छो दुग में दुहाय गाहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाए फूल गेंद वक्त 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 वान मारो न मारो लगत करजवा में छो देखो देखो अब दूंगी दुहाई काहे जो दूर बनत ठिठोरी करत हर जाए फूल गेंद वान मारो मारो पवरा दादा 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 दानी दा पमग पम कमगर सा फूल गेंद वान मारो न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो लगत करजवा में चोट
को चुपचाप से दूर पेड़ पर बैठा एक पक्षी जो अमूमन रात को जागता है। फर्क पड़ता है जब आप बचपन से हारमोनियम के साथ गायकी करते हो। जी सर। तो क्या होता है आपके गले का और आपके हाथ का जो साथ होता है वो एकदम ऐसे बैठ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड हो यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। अलका जी, जादू भैया, ये बच्चे तो हमें कमाल के मिल गए, लेकिन बाकी भी इतने कमाल के मिले हैं, उसमें से चुनना कितना भारी हो रहा है। हमारे लिए बहुत कसरत हुई है ये चार। बहुत बहुत बहुत। टोटल हमारे पास फाइनलिस्ट होंगे वो 15 होंगे। इट्स सोएब। मुबारक हो सोएब अली, मुबारक हो। हिलाते रहो उसकी कुर्सी, तुमको पूरा स्कोप दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इज हमारा शेफ प्रत्युष आनंद। हर्षिता। और अब जो विश्व भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उनकी बेटी विश्वजा। सायंथनी। आखिरी फाइनलिस्ट है जिसका नाम वन एंड ओनली हमारा हाथ बंद रखने वाला, यानी कि जिसके हाथ हम बांधने वाले हैं, यानी कि मोहन प्यारे का छोटा भाई रोहन। I'm gonna make it.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.